हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ आई कि गूगल ने चाइना की एक मोबाइल फ़ोन कंपनी हुआवे को अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से हटाने का ऐलान कर डाला है। लेकिन आखिरकार गूगल को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या इससे गूगल को कुछ फ़ायदा पहुँचने वाला था? नहीं, ऐसा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच बढ़ती ट्रेड वॉर के कारण। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हुआवे की अगर बात करें तो ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स भी बनाती है। हुआवे की मार्केट पूरे वर्ल्ड में फैली है, जैसे यूरोप में 27%, US में 7%। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को लंबे समय से यह शक था कि हुआवे अपने फ़ोन्स, जिसे कि बहुत से अमेरिकन यूज़ करते हैं, उनकी मदद से चाइना के लिए स्पाई करती है और अमेरिकन के डेटा चोरी करती है। हुआवे के फाउंडर के फादर चाइनीज़ मिलिट्री में थे और हुआवे कंपनी के अंदर 70% शेयर चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही है। हुआवे सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं बनाती, बल्कि वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में भी वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है, मतलब कि टावर्स लगाना, मोबाइल चिप्स बनाना। तो हुआवे के इस पूरे बैकग्राउंड के कारण आखिरकार US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि कोई भी US बेस्ड कंपनी हुआवे के साथ बिजनेस नहीं कर सकती। अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये सब US बेस्ड कंपनीज हैं, तो इसलिए इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मानते हुए इन्हें भी हुआवे से अलग होना पड़ा। हालांकि अभी हुआवे को 90 डेज का एक्सटेंशन मिला है। इसके बाद ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि हुआवे अपने फ़ोन्स के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको रीजंस बताए जिनके कारण हुआवे बहुत ही जल्द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से अलग हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।